वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू तो डियर स्टूडेंट अब आपके एग्जाम्स को अप्रोक्स 15 डेज ही बचे हैं मात्र अब सवाल यह है कि इस 15 दिन के अंदर इतना बड़ा सिलेबस जिसमें कि आपके पास है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट्स एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेट्स जिसमें कि आपके 25 से 27 वीडियोज हैं इसके बाद आपके पास है कैलकुलस फर्स्ट जिसके अंदर आपके पास है पूरा इकोनॉमिक्स का एप्लीकेशन है कैलकुलस टू जिसमें इंटीग्रेशन भी आपका यूज होगा पार्सल डिफ्रिशन यूज होता है इसके बाद फिर आपके पास में लिनियर प्रोग्रामिंग का टॉपिक है और उसके बाद में एक बड़ा यूनिट आपका मैथमेटिक्स फाइनेंस तो अब आपके पास में ये पूरे पांच यूनिट्स हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर इस समय अगर हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे पास में फिफ्टीन डेज बचे हुए तो हमें सबसे पहले किस यूनिट को हमें लेना चाहिए तो बच्चे मैं आपको एक बात बता देता जा, हूं कि सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर आप कोई भी यूनिट आप पहले ले सकते हैं इससे आपके आ, करने के तरीके पर या फिर समझने पर कोई भी इसका इंपैक्ट नहीं आएगा क्योंकि हर एक यूनिट अपने आप में इंडिपेंडेंट है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का कोई भी बेनिफिट दूसरे यूनिट में आपको नहीं मिलेगा मैथामेटिक्स ऑफ फाइनेंस का बेनिफिट किसी और यूनिट में नहीं मिलेगा तो आपको इसको किस ऑर्डर में करना चाहिए तो अगर आपके लास्ट फिफ्टीन डेज अगर आपके पास में बचे हुए हैं तो इसमें सबसे पहले मैं आपको एडवाइस ये करूंगा कि आप मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस उठाइए आसान टॉपिक है सबसे आसान टॉपिक रहेगा और इसमें आपका फुल स्कोर बनेगा देखिए पास हो जाएंगे आप पंद्रह दिन के अंदर आराम से पास हो जाएंगे मैं पास होने वाली बात कर रहा हूं आपसे अब आप सो परसेंट का स्ट्रेटजी नहीं बन सकता है तो आप पास कैसे हो सकते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं तो अब आपके पास में जो है सबसे पहला काम आप क्या करें कि आप मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस उठाएं और मैथामेटिक्स ऑफ फाइनेंस के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपके पास में चेंज रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ये टॉपिक पढ़ें आप जो मैं बता रहा हूं ना आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है चेंज रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट भाई साहब ये पेपर मारने की पॉसिबिलिटीज है कंप्लीट टॉपिक ऑफ एनयूटी एनयूटी के बारे में लिख के दे रहा हूं उस पर साइन कर देता तो हूं मैं आपको पेपर था पंद्रह दिन पहले पेपर में आपके आ रहा है ठीक है भाई एनयूटी एनयूटी का टॉपिक आज सिंकिंग फंड एंड बॉन्ड्स ये आपके पास में चार टॉपिक है मैथमेटिक्स और फाइनेंस में बस ये चार टॉपिक पढ़िए और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आगे अगर आप मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स की अगर आप बात करते हैं तो एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स ल्यूंटिफ आउटपुट इनपुट मॉडल ठीक है इस टॉपिक को पढ़ लीजिए पेपर में यही आपको देखने को मिलेगा आपको पांच क्वेश्चन कौन से होंगे मैं बता देता हूं आपको एक ये टॉपिक पढ़ लेना बस और इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है लीनियर प्रोग्रामिंग में सिंप्लेक्स मेथड पढ़ लो इसका थ्योरी सेशन जो एक वो पढ़ लो और इसके अलावा कुछ मत पढ़ो कैलकुलस के अंदर एक आपके पास है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रेट ऑफ कॉस्ट एंड सेल प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर सरप्लस

तो फिर भी तीन घंटे के अंदर चार घंटे में आप ये भी कवर कर सकते हैं उसके बाद आपके पास है लीनियर प्रोग्रामिंग लीनियर प्रोग्राम में आपको थ्री आवर्स लग जाएंगे तो आपके पास में पर दीजिए घंटे हाँ आप दे दीजिए बारह घंटे और यहां पर आपके पास में कम से कम आप कैलकुलस फर्स्ट कर लीजिए कैलकुलस फर्स्ट को आप पांच घंटे में कर सकते हैं तो सत्रह घंटे आपके पास में रहता है और पंद्रह दिन का समय बचा हुआ है आपके पास में तो इस पंद्रह दिन के समय में अगर आपने अपने सेवनटीन आवर्स निकाल लिए डेली का अगर आप दो घंटे भी पढ़ ले प्लानिंग के साथ में और एनी टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हैं अभी भी तो हंड्रेड सिर्फ पास ही नहीं आपका इजिली सिक्सटी परसेंट से अब, अब स्कोर हो जाएगा पेपर में और इसके साथ में क्या करें वो मैं बता देता हूं इसके साथ में लास्ट के दो साल के क्वेश्चन पेपर पूरी तरीके से सॉल्व करके चले जाए बस अगर आपने तीन साल कर लिया तो फिर आपका ये सिक्सटी के आपका नाइन्टी परसेंट से ऊपर आ जाएगा तीन पर लास्ट के सॉल्व कर लिए तो अगर आपने तो ये आपका जो है फिफ्टीन डेज की स्ट्रेटजी है जिसके अंदर कोई भी बच्चा अगर आज डे वन से भी स्टार्ट कर रहा है तो इस एग्जाम को खाली कर सकता है और हमारे कंटेंट के अंदर मैंने क्या कर रखा है इस, इस टॉपिक को कंटेंट में डाला हुआ है अगर आप देखेंगे तो कंटेंट स्टोर में जाएंगे तो टॉपिक को डाला हुआ है यहाँ पर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास में और यहाँ पर रिवीजन के खैर वीडियोस डाली हुई हैं और इसके अलावा बेसिक कैलकुलेशन के है और आपकी मैथमेटिक्स और फाइनेंस की अगर आप देखेंगे ना तो आप बोलेंगे सर जो आपने इंपॉर्टेंट बताया टॉपिक मिलेगा कहा तो चेंजिंग रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने स्टार बना रखा था है अंदर कंटेंट के अंदर इन इन टॉपिक के ऊपर ऑर्डिनल एनिटी एनयूटी के ऊपर मैंने बनाया हुआ फ्यूचर वैल्यू के ऊपर तो ये सब चीज़ें कंटेंट में जाएंगे तो आपके पास में ये स्टार बना हुआ मिलेगा अगर आप बात करते हैं कि सर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेशन टॉपिक बताया वो टॉपिक है कहां तो एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बताया हुआ है आपके पास में और इसके साथ साथ में ये कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एक ही चीज है बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी हम देखिए देखिये इनपुट और आउटपुट मॉडल स्टार नजर आ रहा है आपको स्टार बनाया हुआ ना इसके ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी है देखिए ये देख रहे हैं आप तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी बच्चे अगर आप लोग अभी भी 15 डेज प्लान लेते हैं और हमारा हमारे कोर्स में आते हैं तो कोर्स में आपको कंटेंट भी साथ साथ मिलेगा अब सिर्फ यही नहीं है ना आपके पास से पी भी तो आपको दे रहे हैं जो पढ़ा रहे हैं और क्या चाहिए इससे ज़्यादा तो बच्चे मैं अब यही बता सकता हूँ इससे ज़्यादा बस अब एक टीचर जान दे सकता है अपने और कुछ देने की उसमें बचा नहीं क्योंकि आप यहाँ देखेंगे तो क्वेश्चंस आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी आपको मिल रहा है आपको वीडियो में अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ तो हर एक चीज़ आपको बच्चे मिल रही है यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप बात करते हैं प्रोग्रामिंग में तो आप जाते हैं तो देखिए ड्यूलिटी ड्यूलिटी सिंप्लेक्स मेथड आपके पास में ये आपको दिख रहा है स्टार बना हुआ है हर एक टॉपिक पे स्टार बनाया हुआ है कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं आनी चाहिए क्लियर है तो ये चीजें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको फ्रंट में तो अब आप सही बच्चे अपने एग्जाम को लेकर तो आप अपने एग्जाम को लेकर के पूरी तरीके से आप फोकस हो जाइए और आपके एग्जाम में आप इस चीज को देखें कि एकता पूछ रही है कि सर क्या आर्टिफिशियल वेरिएबल्स सिलेबस में है लीनियर प्रोग्रामिंग में एकता जी सिलेबस मैंने आपको पर्सनली भेजा है ड्यू का सिलेबस उसमें चेक कर लीजिए उसमें नहीं है ठीक है हाँ जी क्लियर है आपको ये तो ये इस तरीके से आप अपने कंटेंट को देखें बच्चे और अभी भी आप इन स्ट्रेटजी के साथ में अपने आप गिव आप करने का टाइम नहीं है खैर आप सोच रहे हैं कि यार हमारे पास में अब हम कैसे सिलेबस पढ़ेंगे अब कोई फायदा नहीं है हमारे स्टार्ट करने का हम रहने देते हैं नेक्स्ट टाइम से हम कर देंगे बिजनेस मैथ्स को तो बच्चे आप जो है अभी से आप करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी चलिए आपको फिर भी डाउट है आप पेड कोर्स ले रहे हैं सिर्फ पंद्रह दिनों के लिए और अगर आप पास भी नहीं हुआ आप कवर भी नहीं कर पाए तो पंद्रह दिन में आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा तो हम एक काम आपके आपके लिए ये कर देंगे आप पहले पहले ही टीम को बता देना अगर आप पेड कोर्स में जा जा रहे हैं जो बच्चे जाएंगे तो पहले ही टीम को बता देना कि आपको जो है वैलिडिटी एक साल की और चाहिए तो फिर वो कुछ और चार्जेस ऐड कर करके आपको वन ईयर की मिल जाएगी इसमें भी काम आ जाएगी और आपको लगता है कि यार आपको नेक्स्ट ईयर आप दोबारा पेपर देंगे और अच्छे मार्क्स के लिए पेपर देंगे तो फिर आपको उसमें भी ये चीज आपके पास में रहेंगी तो ये दोनों चीज आपके पास में हो जाएंगे क्लियर है पर फिलहाल मैं कहता हूं नेगेटिव मत जाइए नेगेटिव मत सोचिए इस समय में भी इस टॉपिक को तैयार कर लीजिए मैं बार बार कह रहा हूं आपसे इस टॉपिक को तैयार करिएगा यही टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे और ये टॉपिक आपको मिलेगा कहां पर मैं बार बार ये बातें आपसे कर रहा हूं कि टॉपिक कहाँ मिलेगा आप किसी भी चैप्टर में चले जाइए जैसे कि मैथमेटिक्स और फाइनेंस का आप या फिर आप देखना चाहते हैं आप लीनियर प्रोग्रामिंग का देखना चाहते हैं आप क्या ली प्रोग्रामिंग का देखना चाहते हैं तो आपको डिलीट आपके पास में सिम्प्लेक्स मेथड उसमें इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है सिंप्लेक्स मेथ स्टार बना दिया आप देखें और टेन ईयर का पिछले तीन साल का क्वेश्चन पेपर कर लीजिए पास और पंद्रह दिन के अंदर हर बच्चा कर सकता है इस चीज को और एग्जाम की प्रिपरेशन लोग यार पांच पांच दिन पहले पढ़ करके आराम से पेपर निकाल देता है तो फिर भी पंद्रह दिन का समय बचा हुआ है मैं बता रहा हूँ पाँच दिन के तीन दिन के अंदर ये बच्चों ने पिछले सेशन में इन इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ करके एग्जाम में पचपन साठ परसेंट स्कोर कर लिया था दो तो तीन दिन के अंदर अब फिर पंद्रह दिन पढ़ा हुआ था नेगेटिव मत हो इसके अंदर बहुत अच्छा स्कोर आप अचीव कर सकते हैं तो बस आपको मैंने बता दिया कंटेंट में सारी चीजें मिलेंगी भैया कंटेंट में आइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा रिविजन स्ट्रैटेजी चंदन पूछ रहे हैं आपके सर रिविजन स्ट्रैटेजी बनाइए एक ही स्ट्रैटेजी है रिविजन स्ट्रेटजी में आपने सब कुछ कर लिया है तब उसके बाद रिविजन होता है तो आप रिविजन की बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ टेन ईयर के तीन साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो अगर आपने तीन साल कर लिया तो आप चार साल कर लो इससे बढ़िया कोई स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती है और पेपर में आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा ये भी मैं कह रहा हूँ आपसे तो बस आप पेपर को एनालाइज करें पेपर को सॉल्व करें हाँ जी देखिएगा एक अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है लीनियर प्रोग्रामिंग क्लासेस आपके पास में हो चुके हैं मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस मैं हर हाल में आपका कोर्स ट्वेंटी आपका कोर्स सब कुछ कंप्लीट हो चुका है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के आपके पास में लास्ट के पाँच से चार क्लासेस बच रही हैं बस और इस पाँच से चार क्लासेस तो आपका कोर्स वाइंड अप हो जाएगा लेकिन मैं बीस तारीख से पहले हर हाल में आपका सिलेबस कंप्लीट करूँगा दूसरी चीज़ें कि आपके पास में जो रिकॉर्डेड क्लासेस uh, है जैसे में जैसे कि अगर मैं बाई चांस क्लास नहीं भी ले पा रहा हूँ चाहे मुझे रात को दो बजे रिकॉर्ड करनी पड़े मैं रिकॉर्ड करके क्लासेस को आपके फोल्डर में डालूंगा आप अपने उस क्लासेस को देखिएगा अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको तो रिकॉर्डेड क्लासेस के फॉर्म में चीजें आपके पास हो जाएंगी बीस तारीख तक और लाइव भी रहूंगा बीस तारीख से पहले मैं सत्रह तारीख तक मेरे मेरे मन में प्लान है कि मैं आपका कोर्स को वाइंड अप कर दूंगा लास्ट टू लास्ट सेवनटीन और सेवनटीन के बाद मैं पिछले दो साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाऊंगा दो से तीन साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाऊंगा जैसे मैथमेटिक्स फाइनेंस है तो वो करवा दिया कैलकुलस है तो वो करवा दिया तो इसके पेपर सॉल्व करवाऊंगा रिवीजन में लास्ट टाइम के जो मैं आपके साथ में जुड़ा रहूंगा लाइव पेपर से एक दिन पहले तक रहूंगा मैं आपके साथ में लेकिन मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करूंगा सिलेबस पे नहीं सिलेबस को सत्तर तारीख को मैं वाइंड अप कर दूंगा हाँ मैं प्रीवियसल क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें सारे टॉपिक सिंपलेक्स मेथड मिल जाएगा आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे आपको ठीक है अच्छे मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में ने थैंक यू जी थैंक यू सो मच